आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लोग बालू स्पीड स्लो करके और लिख लेंगे डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ऑन काइंड, प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ऑन काइंड। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल अगर लिखेंगे या देखेंगे तो अगर कुत्ते का बच्चा है तो हाथी नहीं होगा और ना हाथी का बच्चा चूहा होगा, तो हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। इसी को कहा जाता है प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड, मतलब उसी के प्रकार का होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वह एक नेचुरल फेनोमेना है और जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। वैसे तो फ्लावर ऐसे में रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और भी टाइप के, अर्थात जो प्लांट्स हैं उनमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल है दूसरा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी कई प्रकार के हैं। अब एसेक्सुअल जो है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पार्टिसिपेट सीड नहीं करते उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब जैसे कोई आप लोग पानी उनी में देखते हैं कुछ शैवाल होते हैं, उसको अगर बीच के कई भाग में काट दोगे तो उसके हर भाग नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा है या और भी जो है सवाल पाए जाते हैं सब है। तो फ्रेगमेंटेशन एक मेथड हो गया किसका, एसेक्सुअल का। दूसरा बडिंग हो गया, बडिंग से भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है, ये है स्पोरेंजियम और इसी के बगल जो है से स्पोर बना गया है। स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। एक और होता है उसको हम लोग कहते हैं विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे मान लिया गुलाब है, गन्ना है, उसको छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं तो उसको जहां लगा देते हैं जमीन में वहां से जो है नया पौधा बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब प्लांट के किसी पार्ट से दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करना, ये होता है विजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम लोग समझते हैं बडिंग क्या होता है। बडिंग का मतलब होता है, बडिंग एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें बर्ड फॉर्मेशन के द्वारा नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इम्ब्रियो समझते हैं, इम्ब्रियो क्या होता है। इम्ब्रियो जो होता है वो कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलन ट्यूब, ये जो है ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है। फिर यहाँ पे लिखा गया देखो मेड गैमेट आर फाउंड इन द इन साइड द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर मेड गैमेट पाए जाते हैं और इसी पॉलन ट्यूब के सहारे मेल गैमेट देखो ये यहाँ पहुंचता है तो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल ये इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अब वहीं लिखेंगे फीमेल गैमेट्स आर फाउंड, फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन साइड द ओव्यूल्स। ये दोनों आपको याद रखना है, पहला क्या रखना है मेल गैमेट्स आर फाउंड इन साइड द पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट्स आर फाउंड इन साइड द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन साइड द ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स है ये ओव्यूल्स है, इसके अंदर जो ये ओवरी है देखिए इसको हम लोग ओवरी कहेंगे और इसमें जो है ओव्यूल है और ये जो है मेल गैमेट देखिए आया है। मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे,
जायगोट कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट डिप्लॉयड होता है, उसमें दो सेल होते हैं। दो सेल कौन कौन? एक सेल है मेल गैमेट, दूसरा सेल है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट किसमें डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। उसके बाद में एक और है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है ये आपस में मिलकर एक बना लेंगे, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फिर हमको समझना है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह भी एक प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई एक पार्ट होता है और उसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, यह स्पाइरोगायरा भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो वो हर पार्ट उसका नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। जनरली ये सब एक्वाटिक प्लांट होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड है। फिर लिखा है गैमेट। गैमेट क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनको गैमेट कहते हैं। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट होता है ये कहा इसको जो कि ओव्यूल में ओवरी होता है। गैमेट के बाद में हाइफा एक वर्ड आया है। हाइफा क्या होता है इसको हम लोग सुनेंगे। ऐसे देखो ये एक प्रकार का ये फंगस है, तो फंगस में ऐसे बने निकल गया है जो बड़े बड़े उसके निकलते हैं फंगस एलर्जी है कुछ भी, तो उसके जो नीचे दबे हुए जिनसे नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाए, ये भी एक पार्ट है, मतलब उसी की से जड़ है। जमीन के अंदर ये होते हैं और कहीं को अगर मिल जाता है फेवरेबल कंडीशन तो नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हाइफा। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइफा। ये जनरली फंगस में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे मशरूम वगैरह आप लोग देखते होंगे और सब है, इसीलिए उनको मिलता है। फिर ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ये जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट जो है उसी को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है वो इसे पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन जब इसके अंदर आता है तो पॉलन ग्रेन ही वहां पे ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, उसी के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन होता है पॉलन ग्रेन के द्वारा। ये पॉलन ट्यूब के थ्रू होके आते हैं। फिर पॉलिनेशन हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनेशन इन लोगों, ये सब एंकर है ना, इसी एंकर में है, यह एंकर है इसे ये पॉलन ग्रेन रहते हैं। अगर ये ग्रेन पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ एक ही फ्लावर में है, इसी फ्लावर के एक एंकर से दूसरे एंकर पे आया हुआ है यहाँ पे, और ये अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो उसको कहते सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इसका यहाँ से इस फ्लावर पे या दूसरे फ्लावर पे आया है तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। फिर लिखा है सीड डिस्पर्सल क्या होता है, मतलब सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, इसको हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। बहुत माध्यमों की कभी हवा बह गया आंधी के द्वारा सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, या पानी के द्वारा चला गया बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या कुछ जो पशुओं के आप बादल में देखते हैं पशु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्सल। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जायगोट बन रहा है, फिर एम्ब्रियो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सीड के द्वारा होता है, सीड पॉलिनेशन होता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद एक वर्ड है स्पोर। स्पोर कुछ स्पोर पॉलिनेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। जैसे यहाँ पे होता है स्पोरेंजियम, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। जब ये टूटता है इसमें स्पोर भरा होता है, स्पोर जमीन पे आके गिर जाता है, अब फेवरेबल कंडीशन में ये नए प्लांट डेवलप कर लेता है,
इसको हम क्या कहते हैं स्पोर। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। फिर स्पोरेंजियम क्या होता है, ऐसा एक सैक या थैली या सैचेट जिसके अंदर स्पोर भरे होते हैं, उस थैली को हम लोग क्या बोलते हैं स्पोरेंजियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब प्लांट के किसी पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक नया और इसलिए वर्ड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जायगोट क्या होता है, जायगोट बच्चों जब मेल और फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, उसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे क्या बनता है जायगोट बनता है। और जायगोट बाद में किसमें डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। बाद में उसी एम्ब्रियो को हम लोग फ्रूट कहते हैं, एम्ब्रियो को क्या कहते हैं फ्रूट कहते हैं, फ्रूट में सीड होता है। इस प्रकार से ये हम लोग का चैप्टर है, इसमें हम लोग कुछ और चीज समझेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है ना, एक ही ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं। प्लांट के ऊपर वाला पार्ट है, फ्लावर के ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे छोटा सा फ्लावर दिख रहा है आपको, ये फ्लावर जो होता है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, अर्थात स्टामेन जो होता है ये फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल क्या है फीमेल पार्ट है। अगर किसी फ्लावर में स्टामेन और पिस्टिल दोनों हो, स्टामेन और पिस्टिल दोनों है, उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कुहाड़ा लौकी ये सब हो गया, ये सब होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ फ्लावर कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल, जैसे पपीता है, पपीता जो है यूनिसेक्सुअल, वो कभी कभी पपीता आप लगाते हैं उसमें फल नहीं लगता है, तो क्योंकि उसमें जो है पॉलिनेशन कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, अर्थात जहां पर पपीता एक से अधिक रहेंगे वहीं पे जो है उसमें जल्दी फल आता है। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग समझे कि फ्लावर जो है दो टाइप है, कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें केवल मेल या फीमेल पार्ट हो, चाहे पिस्टिल हो चाहे स्टामेन हो, उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें दोनों स्टामेन भी हो और पिस्टिल भी हो, उसको क्या कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है, कंटेन वन आर मोर ओव्यूल, जो ओवरी होता है इसमें एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसको स्टाइल कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसी को स्टिग्मा कहते हैं। ये फिलामेंट है और ये एंथर है, आप देखिए ये जो यहाँ से आया हुआ है ओवरी से, इसको हम फिलामेंट कहेंगे, इसको पूरा लोग एंथर बोलते हैं, इसको एंथर कहते हैं। यहाँ जो केतु बना हुआ है ये पॉलन ट्यूब है, जिसके सहारे से पॉलन आता है कहाँ पे, और ओव्यूल मिलता है पॉलन, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और इधर देखिए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी हमको जानना है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये सब इसमें जो है प्लांट के रिप्रोडक्शन को मैं समझाने का भाषण प्रयास किया हूँ। इसके बाद अगर आपको कहीं संशय रह गया होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, आप उसको कमेंट में दीजिएगा, जिसको हम अगले वीडियो में